हेलो गाइस, चलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं व्हेल सील। यहाँ से व्हेल हमारा सॉकर से फेंक देता है। और क्या हम अब इसमें क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो पूरा आपको हम दिखाते हैं कि सॉकर को कैसे रिपेयर किया जाता है और बहुत कम पैसे में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खोलना है और कैसे इसमें व्हेल सील नया लगाना है जो कि हमारा सॉकर से वही लीक नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर का बोल्ट खोलेंगे और उसके बाद ये देख रहे हैं 13 वाला भी खोल है, उसे भी खोलना है। और उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद फिर हम आपको वॉइल सील खोल के फिर उसके बाद हम इसे वॉइल सील ठोकेंगे। पूरा वीडियो में आप बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम इसे खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऊपर में ही इसका 27 नंबर का जो बोल्ट होता है वो खुला ही रह गया और एक साइड का जो है हमारा उसमें लगा ही रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर में ही लूज कर लेंगे। ऊपर में लूज करने से क्या होगा, नीचे हमें बांक में बांध के नहीं खोलना पड़ेगा। हम लोगों के पास जैसे बांक नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर में ही इसे लूज कर लेते हैं बोल्ट को। और अब हम इसे निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फिर हम इसमें वॉइल सील को ठोकेंगे। और कहने का मकसद है कि हम जिस तरीके से काम करते हैं इसमें बहुत कम ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा वॉइल चलने वाला है और हमारा कस्टमर बहुत कम पैसा लगाना चाहता है तो हम वही वॉइल को दोबारा डाल सकते हैं। अगर वो वॉइल नहीं चलने वाला है तब हम उसमें नया डालेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ऑयल निकालता हूँ। ये देख रहे हैं बिल्कुल ये गाढ़ा पड़ा है, ऑयल बिल्कुल ख़राब है। यहाँ तक कि इतना ख़राब है कि आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसमें रॉड जो है सरिया इसमें घुसाएंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा थोड़ी से ठोक देंगे जो कि सरिया में बैठ जाए। उसके बाद इसे एलंकी से खोलना है। तो ये हम जो ठोक रहे हैं पहले से, ये पिस्टन पिन यानी स्प्लेंडर का हो किसी भी गाड़ी का हो, पिस्टन पिन से आप ठोकिएगा तो आपका आसानी से खुल जाएगा। उससे क्या होगा, आपका बोल्ट स्लिप नहीं करेगा। तो पिस्टन पिन ये जो है नया ट्रिक है, आप इसे ठोक कर फिर खोलें, बोल्ट आसानी से खुलेगा और काफ़ी आसान महसूस होगा आपको। आप पहले नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में आप नया चीज़ देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक लॉक है इस लॉक को निकालेंगे और लॉक को निकालने के बाद फिर वॉइल सील को हम निकालेंगे। तो ये लॉक बाहर हो गया और उसके बाद हम इसका पुराना वॉइल सील को बाहर निकालेंगे बड़े पेचकस के सहारे से। और इसको अच्छे तरह से पोंछने के बाद न्यू वॉइल सील ठोकेंगे। तो आपको हम बता देते हैं, ये बड़ा कॉलर जो है अंदर की ओर जाएगा, छोटा कॉलर बाहर की ओर। और इसे हम फिर पुराना वॉइल सील ऊपर में रख कर ही ठोकेंगे। उससे क्या होगा, हमारी वॉइल सील रबड़ कटेगी नहीं, नहीं तो क्या होगा, हमारा वॉइल सील कट जाएगा और लगाने के बाद फिर से ये लीक करने लगेगी। इसीलिए पुराना वॉइल सील से ठोक दीजिए, फिर आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर से जैसे हमने खोला वैसे ही फिट कर देना है। उससे क्या, बिल्कुल आसान तरीका है फिट करना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वॉइल सील को खोला और ठोका और फिर से लगा दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद एलंकी टाइट करना है, उसके बाद रॉड निकाल लेना है, उसके बाद हम इसमें जो है वो रबड़ लगा रहे हैं और उसके बाद हम स्प्रिंग डाल देंगे, उसके बाद ब्रश और उसके बाद हम तेल, यानी कि तेल हमारा स्टाफ डाल चुका है। तो मैं भी इसमें तेल जहाँ तक ज़्यादा डला है वो भी कम करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा स्टाफ पहले ही तेल डाल चुका है। तो ये काफ़ी पुराना है तो ज़्यादा तेल डाल दिया इसमें। एक डब्बा फुल डालने की वजह से क्या है, सॉकर हार्ड हो गया। तो हालांकि 175 ml ही डलता है, लेकिन जो पुराने सॉकर रहेगा तो उसमें कम ही डालना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा दिया। और अब ये सॉकर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।